ओफो, आज फिर तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी, मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। ए, मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढना। ठीक है भैया, एक पैकेट ले लो ना भैया, 5 रुपए का भैया ले लो ना। नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, स्कूल भेजूंगा तो पढ़ाई करोगे। नहीं भैया, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप एक पैकेट ले लो ना। ये ले ले। पैसा नहीं चाहिए माँ जी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ए, भूल गया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। मैं नहीं, भैया बात कर रहे। सुनो भैया, मेरे भाई से बात मत करो, अगर उसने देख लिया तो इसे बहुत मारेगा। कौन मारेगा तुम लोगों को? अच्छे से भीख भी मांगना नहीं आता तेरे को? कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता, तू क्या घूर रहा है? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार और इधर नजर नको आना, नहीं तो अच्छे से नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। ए, क्या बोला तेरे को? कुछ नहीं बोला। ए, मुझसे पूछ रहा था कि स्कूल क्यों नहीं जाता, मैंने बोला मुझे नहीं जाना। ये तेरी अम्मा का यार है? ऐसा मत बोलो भाई। इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया, बड़ा चिकना है तू। मॉम, एक छोटा सा काम याद आ गया है, तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। आज तो पक्का हॉस्पिटल को जाएगा, मैं लोगों के बंद जूते देख के उनके मुकद्दर पढ़ लेता मामू। तेरे सितारे गर्दिश में दिख रहे मेरे को, उठ ले। अरे बड़ा ठीक है तू, ह्यूमन राइट्स से है या पुलिस का खबरी है? बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते, क्या तोड़ लेते? बड़े बड़े पुलिस वाले को हफ्ता देता मैं, ऐसे दीदे फाड़ के मेरे को कोई नहीं देखता जैसा। ओए चार मीनार, भाई कौन है ये? यारे मेरी फौज को देख के तेरी हवा तो निकल ही गई होगी। फौज? सिर्फ 5 ही तो लोग हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ा रे? तेरा को 5 बोल रहा है, ख्याली चश्मे उतार के देख। जब खींच के तुझे फटका मारूंगा हाँ, तो झुंड में से 2 सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा, पीछे 2 और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, बाकियों की देख के फट जाएगी। इतने तेवर फिर? क्या रे काली, गिनती आती है कि कैलकुलेटर लाके दूं? हाँ रुक, मैं दिखाता तेरे को। हट रे मुंडे।
हम जैसा गरीब गुरबों को मार के बहुत बड़ा 30 मार का बन रहा। एक फोन मारूंगा तो पुलिस की बारात आएगी और तेरे को ले जाएगी उठा के। अबे पुलिस को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं चार मीनार। ओ माय गॉड, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई? नहीं डॉक्टर ने। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में काहे का, एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको याद आया? कहाँ है वो? उधर को खड़े लाए। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। सुनिए तो देना। ओए उजड़ी खेती, कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है। तुमने इन सबको मारा? अपने नहीं मारा, अपन के साथ ने मारा। उस सांप को बुलाओ। इधर ही रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरहम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर। मैंने नहीं बुलाया। पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया। सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची एक आंख में गर्म शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। इनकी तो जान है, इसीलिए मारा। कुछ गलत नहीं किया और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। अरे अरे अरे, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर। सर, सबको फर्स्ट एड दे दिया। एक काम करो, इन सब बच्चों को। भैया, आपने स्कूल भेजने की बात की थी, हिंदी मीडियम जाओ या इंग्लिश मीडियम? भैया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऑपरेशन होने पर मेरी ये आँख ठीक हो सकती है। मेरा ऑपरेशन करवा दो प्लीज भैया। राजेंद्र। यस सर। सारे बच्चों को चाइल्ड केयर होम ले जाओ। ओके सर। कल मैं तुम सबसे मिलने आऊंगा। थैंक यू भैया। बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। गुड। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। स्मिता, डीन बुला रहे। सी यू। अरे मेरी बात तो सुनिए, माइक्रोवेव ऑन तो कर दिया, टाइम भी सेट कर दीजिए। 8 बजे बैकअप होता है, उसके बाद बताऊंगी। आज 8 बजे मेरा फेवरेट नंबर है। तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डेप्यूटी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ, मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा,
इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया, तुम्हारा वो सही बात है कब, मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से द हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन वर्टिब्रेट्स देयर आर अबाउट 4 चैंबर्स व्हिच। ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल, गुर्दे, जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके एमबीए तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर इतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला। वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। फिर पता चला वो गुंडे नहीं, वेटर थे जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, पर उसके लिए कंडक्टर ने पंडित की जरूरत पड़ेगी और एक मंगलसूत्र की।